पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर ने शिद्दत पकड़ ली। 24 घंटों के दौरान 59 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। 3009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,583 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अपोजिशन का कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि अपोजिशन को कोरोना से मुतल्लिक पार्लिमानी इजलास में आना चाहिए। कोरोना वबा की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर मुत्तफ़िका फैसले करने चाहिए। कोरोना वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। लाहौर में जिला इंतजामिया डिफेंस रोड लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील कर दी। सर्विसेज अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में SOPs की खिलाफ वर्जियां। कोरोना वायरस से मुतासर वकील भी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हो गया। आप कमरा अदालत से फौरन चले जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बैरिस्टर डॉक्टर इदनान को हदायत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेर एहतमाम पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू करेंगे। कोरोना वबा की पहली लहर पर कैसे काबू पाया। वज़ीर-ए-आज़म अपनी हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। दुनिया भर के सरमायाकार और सनअतकार मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होंगे। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम रिहाई की मजम्मत। कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक रिहा ना करना अफसोसनाक और काबिल शर्म है। रिहाई को मरहुमा के जस्से खाकी पहुंचने से जोड़ना बेहिसी है। श्रीलंका प्रीमियर लीग का मेला कल से श्रीलंका के शहर हम्बनस्टोटा में सजेगा। पाकिस्तानी स्टार शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, उस्मान शिनवारी एक्शन में नजर आएंगे।